बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान राम ने सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुनगना, करौं कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखो, मोसे अधिक संत के लेखो, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दी। इन 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने सेवरी को बताया, लेकिन सद्गुरु कबीर ने तमाम दुनिया के लोगों को मात्र 4 प्रकार की भक्ति बताया है। उसमें पहला है श्रद्धा भक्ति, दूसरा है प्रेमा भक्ति, तीसरा है करुणा भक्ति और चौथा है स्नेहा भक्ति। श्रद्धा हमारी कहां होनी चाहिए? अभी आप सुन रहे थे, श्रद्धा आपकी लगी है पत्थर से। साहब कबीर ने कहा, तीरथ में पानी है, तीरथ में पानी है, होबे न कछु नहाय देखा, और प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बुलाए देखा। आपकी श्रद्धा कहां लगी है? श्रद्धावादी मनुष्य हो तब तो कोई हर्ज नहीं है। ये मानव हिंदू मुसलमान सिख ईसाई श्रद्धावादी नहीं है, अंध श्रद्धावादी है। और अंध श्रद्धावादी होने का मतलब है कि सारे लोग मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, आकाश की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। ये अंध श्रद्धावादी लोग हैं। ये मंच अंध श्रद्धा का नहीं, ये मंच शंका का है, ये मंच विश्वास का नहीं है, ये मंच विचार का है, ये मंच अनुमान का नहीं है, ये मंच अनुभव का है, और ये मंच मानने का नहीं है, ये मंच जानने का है। I keep 6 honest serving men, they taught me all I know. मैं कुछ नहीं जानता हूं, और अपने पास 6 कर्ता परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है, और इनके नाम है their names are what, why, who, when, where and how। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये शंका आपके जीवन में आ जाए तो जीवन की गाड़ी है वो गंतव्य पर पहुंच जाएगी। लेकिन सारे लोग आद अंधश्रद्धावादी बन गए। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कबीरपंथी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कबीरपंथी मां को मां नहीं मान रहा है, पिता को पिता नहीं मानता, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता, चचा को चचा और चाची को चाची नहीं मानता, भैया को भैया और भाभी को भाभी नहीं मानता, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है,
मामा को मामा और मामी को मामी नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी धरती को धरती और आसमान को आसमान नहीं मानता है। क्या सूरज को सूरज चंद्रमा को चंद्रमा तारा को तारा नहीं मानता है। क्या हवा को हवा पानी को पानी आग को आग नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी गाय को गाय और भैंस को भैंस कुत्ता को कुत्ता और गीदड़ को गीदड़ हाथी को हाथी और घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता है। क्या क्या कबीरपंथी आम को आम और लीची को लीची बरहर को बरहर और कटहल को कटहल नहीं मानता है। क्या क्या कबीरपंथी गेहूं को गेहूं मकई को मकई धान को धान और जौ को जौ नहीं मानता है। क्या तो क्या कबीरपंथी आपके कहने से गोबर को भगवान माने, आपके कहने से मिट्टी को भगवान माने, आपके कहने से पानी को भगवान माने, आपके कहने से अग्नि को भगवान माने और आपके कहने से सूरज को भगवान माने, आपके कहने से चंद्रमा को भगवान माने, यही मानना है क्या? ये मानना है क्या? हम सूरज को सूरज मानते हैं, हम चंद्रमा को चंद्रमा मानते हैं, हम तारा को तारा मानते हैं, हम धरती मत मारिए, हम धरती को धरती मानते हैं, हम आसमान को आसमान मानते हैं, हम पानी को पानी मानते हैं, हम अग्नि को अग्नि मानते हैं, हम धरती को धरती मानते हैं और आकाश को आकाश मानते हैं। एक दिन की घटना है, पूज गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। गुरुजी रोज दिन सवेर के सत्र में मठ पर से स्नान ध्यान करके जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम के सत्र में मंच पर से उतरे और चले आते थे अपने आश्रम। सवेर में जा रहे थे मंच पर, एक दरोगा विपरीत दिशा से आ रहा था। दरोगा ने गाड़ी को देखा और ऐसे इशारा किया रोकने के लिए। साहब जी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी ने दरवाजा खोला, वो दरोगा आया और साहब जी को चरण छूकर प्रणाम किया और कहा गुरु जी सुनने में आया कि आपका त्रिदिवसीय कार्यक्रम पूर्णिया के शहर के इर्द गिर्द में हो रहा है, विचार किया कि जाऊं जरा सदगुरु के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी ने पूछा क्यों नहीं आए, तो दरोगा कहा ऊपर का के कृपा। साहब जी कहे ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा कहा आप लोग इसका मतलब ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी ने कहा मैं निचला को मानता हूं, मैं ऊपर का को नहीं मानता हूं। तो दरोगा कहा इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं है। और वो रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया और वो होठ में तंबाकू रखा था। साहेब जी ने पूछा दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है ऊपर का के कृपा से है कि निचला के कृपा से? कहा नहीं ये तो निचले के कृपा से। कहा मांस भी खाते हो? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो बोलो मांस खाते हो ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं तो अपना कृपा से खाते। दारू पीते हो ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं भी अपने कृपा से। कहा कोई कपार फोड़वा के प्रतिष्ठा लुटवा के कपड़ा फड़वा के जाता है आपके थाना पर FIR लिखाने, आप जो माल पत्ती घूस लेते हो ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं ये भी तो अपने कृपा से। साहब जी ने कहा अरे भले आदमी खैनी खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से और सत्संग में जाते हो ऊपर का के कृपा से, चल रोड पर से हटो। हटा करके ये ऊपर का वाला बीमारी, साहब कबीर ने एक महिला से पूछा कहो रे सखी एक बात कहूं, सखी एक बात पूछूं? सखी कहती है पूछिए।
कहाँ खसम ठहरायो जी, सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? तो सखी कहती है ऊपर। तो साहेब कबीर कहते हैं आकाश में। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हिन कहाँ है? दुल्हा तो आकाश में है या दुल्हिन किधर है? पीव आकाश में है और जीव कहाँ है? कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हिन कैसे गछो हम मेटायो जी। दुल्हा हो पंजाब में आ दुल्हिन हो इस भदसारा में, वो दुल्हा से क्या वो बाल बच्चा होगा इस दुल्हिन के? ये दुल्हा से कब भेंट होने वाली है, कब मोहब्बत होने वाला है?